हेलो फ्रेंड, फिर से आपका स्वागत है एक नया वीडियो में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड कि किस तरीका से आप अपने फेसबुक के कोई भी पेज को डिलीट कर सकते हैं। अगर फ्रेंड आपने अभी बहुत दिन पहले फेसबुक पर कोई भी पेज को बनाया है और फ्रेंड अभी आप उस पेज को डिलीट करना चाहते हो, तो किस तरीका से उस पेज को आप डिलीट कर पाइएगा, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, अगर आप भी अपना फेसबुक से कोई भी पेज को डिलीट करना चाहते हो तो फिर इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीका से बताऊंगा कि किस तरीका से आप अपने फेसबुक के पेज को डिलीट कर सकते हो। और फ्रेंड, फेसबुक पर अपडेट आने के बाद फेसबुक पेज को डिलीट करने का जो तरीका था फ्रेंड, वो चेंज हो चुका है। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीका से आप अपने फेसबुक के पेज को डिलीट कर सकते हो। तो फ्रेंड, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर फ्रेंड आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, फेसबुक पर पेज को डिलीट करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले फ्रेंड आपको अपने फ़ोन में जो फेसबुक होता है, फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेनी है। जिस भी फेसबुक अकाउंट में आपका फेसबुक पेज बना होगा, आपको सिंपल सा वही अकाउंट को ओपन करना है। तो मैंने यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हो, मैंने यहाँ पे अपना फेसबुक का जो अकाउंट है यहाँ पे ओपन कर लिया है। अब फ्रेंड, फेसबुक पेज को डिलीट करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले फ्रेंड आपको करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कोने में प्रोफाइल दिया हुआ है, कोने में थ्री लाइन का ऑप्शन, सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा। अब फ्रेंड आपको करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हो ये छोटा सा जो एरो दिया हुआ है, सिंपल सा इसी एरो के ऊपर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे एरो के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो जितना भी आपका फेसबुक पर पेज बना होगा यहाँ पे सारा पेज आ जाएगा आपको देखने के लिए, यहाँ पे मिलेगा। तो देख सकते हैं, जैसे कि मेरे में यहाँ पे एक ही पेज बना हुआ है और मैं इसी पेज को डिलीट करने वाला हूँ। तो फ्रेंड आपको करना क्या है, फेसबुक पेज को डिलीट करने के लिए आपको सिंपल सा यहाँ से बैक होना है। अब फ्रेंड आपको करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हो ये जो यहाँ पे ये लाल कलर का फेसबुक का जो पेज है, यहाँ पे सिंपल सा इसको क्लिक करके आपको इस फेसबुक पेज को यहाँ पे लॉग इन कर लेनी है। तो जैसे ही फेसबुक पेज को लॉगिन कीजिएगा तो आपका जो फेसबुक पेज होगा यहाँ पे फेसबुक अकाउंट के तरह लॉगिन हो जाएगा। अब इसको डिलीट करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपल सा अब आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कोने में दिया हुआ है थ्री लाइन, आपको सिंपल सा इस थ्री लाइन के ऊपर क्लिक कर देनी है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने फिर एक नया पेज ओपन होगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हो कोने में सेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, सिंपल सा इसी सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा। इस बार आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे फर्स्ट पे देख सकते हो लिखा हुआ है पेज सेटिंग, आपको सिंपल सा इसी पेज सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही पेज सेटिंग के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा कुछ इस तरीका का। अब फ्रेंड आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको ढूंढ लेना है एक्सेस एंड कंट्रोल। तो देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है एक्सेस एंड कंट्रोल, आपको इसको ढूंढ के सिंपल सा आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा। अब फ्रेंड आपको करना क्या है, सबसे फर्स्ट में देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है डीएक्टिवेट एंड डिलीशन, आपको सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक करनी है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने दो ऑप्शन आएगा, जो कि देख सकते हो लिखा हुआ है सबसे फर्स्ट में डीएक्टिवेट पेज और सेकेंड में लिखा हुआ है डिलीट पेज। अगर फ्रेंड आप अपना फेसबुक पेज को डीएक्टिवेट पेज के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो ये जो डिलीट होगा आपका टेम्परेरी डिलीट होगा, ये हमेशा के लिए डिलीट नहीं होगा। आपको अगर हमेशा के लिए डिलीट करना है तो आपको सिंपल सा यहाँ पे डिलीट पेज के ऊपर क्लिक करना है सेकेंड वाले के ऊपर, और जैसे ही सेकेंड वाले के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करनी है, और जैसे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपके सामने फिर एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपसे रीज़न पूछेगा कि आप अपना फेसबुक पेज को किस रीज़न से डिलीट करना चाहते हैं, क्यों डिलीट कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको कोई भी रीजन को एक सेलेक्ट कर लेनी, अगर आप नहीं रीजन को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपल सा आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा। और फ्रेंड एक बात आपको ध्यान रखना है, अगर आपने फेसबुक पेज पर कोई भी वीडियो और फोटो कुछ भी अपलोड किया है और उसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन, आप यहां से डाउनलोड इन्फो के ऊपर क्लिक करके सारा इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आप डाउनलोड करना चाहे तो। और उसके बाद फ्रेंड यहां पे सिंपल सा आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा। अब फ्रेंड आपको आपसे पूछेगा यहाँ पर कि इस फेसबुक पेज का जो पासवर्ड है, फेसबुक अकाउंट का क्या पासवर्ड है,
आपको यहाँ पे एक बार उसका पासवर्ड को फिल करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा पासवर्ड को फिल कर देता हूँ। अगर फ्रेंड आपको फेसबुक का पासवर्ड पता नहीं है तो फ्रेंड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगा, आपको उस वीडियो को देख कर अपना फेसबुक का पासवर्ड को पता कर लेनी है। और पासवर्ड को फिल कर देने के बाद सिंपल सा यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देनी है। और जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। इस बार आपको करना क्या है, यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देनी है। जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपका फेसबुक का जो पेज होगा यहाँ पे आ जाएगा। अब फ्रेंड आपसे पूछेगा कि आप अपना फेसबुक पेज को हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे डिलीट पेज के ऊपर क्लिक करके अपना फेसबुक पेज को डिलीट कर लेना है। और फ्रेंड अगर आप चाहते हैं फिर इसे रीएक्टिवेट करने के लिए तो आपको 30 दिन के अंदर इस फेसबुक पेज को फिर से लॉगिन कर लेना है। इससे होगा कि आपका जो फेसबुक का जो पेज होगा फिर से रीएक्टिवेट हो जाएगा। तो फ्रेंड फेसबुक पेज को डिलीट करने के लिए सिंपल सा यहाँ पे आपको डिलीट पेज के ऊपर क्लिक कर देनी है। और जैसे ही डिलीट पेज के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो बस आपका जो फेसबुक पेज होगा वो डिलीट हो जाएगा। बस आपको एक बार ध्यान रखना है 30 दिन के अंदर आपको फ्रेंड इस फेसबुक पेज को लॉगिन नहीं करना है, नहीं तो फ्रेंड आपका फेसबुक पेज फिर से रीएक्टिवेट हो जाएगा। तो फ्रेंड इसी तरीका से आप अपने फेसबुक के कोई भी पेज को डिलीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि किस तरीका से अपने फेसबुक के पेज को डिलीट किया जाता है। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।